जो पवित्र पवित्र सोच है यानी ये शौच क्रिया इसको कह सकते हैं, तो पवित्रता मन की भावना है। वास्तव में मन भी शुद्ध नहीं होता है, मन खुद ही शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब क्या होगा कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वो उसी का है, एक ही चीज़ का है। जैसे सोना है तो खाली सोना ही है, तभी उसको शुद्ध कहेंगे। अगर उसमें हम तांबा मिला देंगे तो फिर शुद्ध नहीं होगा, वो अशुद्ध सोना हो गया। तो मन में भी, मन जो है वह इस प्रकृति का ही माना जाता है। और प्रकृति की जो भी चीज़ होगी वो अशुद्ध ही होगी, शुद्धता उसमें नहीं रहेगी। किसी संदर्भ में हम लोग कह देंगे कि ये शुद्ध है, इस संदर्भ में शुद्ध है, लेकिन शुद्ध रूप से वह शुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धता होती है। प्रकृति की चीज़ है तो अशुद्धता रहे, प्रकृति के है तो सत्र रजतम तीन गुण तो उसमें रहेंगे रहेंगे। तो ये जो शरीर है ये कभी शुद्ध नहीं होता, ये तो अपने मन को समझाने के लिए होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं नहा लेते हैं शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहा लेने से शरीर शुद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, पहले की अपेक्षा जो है इसमें कुछ मैल वैल थे सब सब हट गए, ये कह सकते हैं कि मैल वैल हट गए। लेकिन वो मैल भी जो थे वो बाहर के धूल कण वगैरह ये सब के थे, और शरीर का जो जो कोशिकाएं जो मर जाती हैं उसी का मिश्रण था वो, और शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसका मिश्रण था। तो उसके हट हम नहा लिए तो ऐसा शुद्ध नहीं हो गए, वैसा कुछ हट गई, लेकिन उसके बाद भी तो शरीर में बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब लगा हुआ है, और हम लोग का शरीर के भीतर में हम लोग कफ है ही, थूक है ही, लार है ही, खून है ही, हाँ सारे तो मिश्रण ही ना है, चर्बी है ही, हाँ खाना खा रहे हैं वो भोजन है ही, टट्टी है ही, पेशाब है ही, तो वो तो है ही है। जो बस एक मन को हम लोग समझा लेते हैं कि यह हम शुद्ध हैं, अन्यथा इस तरह की शुद्धता संभव नहीं है। शुद्ध तो सिर्फ जो है ईश्वर को कहा गया है, जिसके सिवाय कुछ नहीं हो वो शुद्ध है ना। अगर उसके सिवाय कुछ है तो वो तो उससे प्रभावित है, उससे मिश्र है, और जब मिक्सचर है तो फिर वो शुद्ध कहाँ है। तो किसी संदर्भ में उसको हम शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक शुद्धता नहीं है वो, क्योंकि उसके सिवाय कुछ है तो उसके प्रभाव उस पर है, तो जितने प्रभाव हैं उतनी अशुद्धि उसमें हो गई। तो अशुद्धता रहती है। हाँ हम लोग समझा लेते हैं, एक सामान्य लेमैन के अर्थ में कह देते हैं कि हाँ ये शुद्ध हो गया, नहा लिया तो शुद्ध हो गया, मुँह धो लिया तो शुद्ध हो गया, कि मुँह धोने से शुद्धता क्या हो जाएगा। मन को हम जितना समझा लें बस सिर्फ उतनी सी बात है। विकार तो मन में जितना हो आदमी जो है कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें विकार आएंगे, कुछ ना कुछ शब्द आएंगे, चित्र आएंगे, ध्वनिया है, गंध है, तो उन सब का तो सम्मिश्रण सम्मिलन वहाँ है। चित्त पूरा शुद्ध हो जाए, उसमें और कुछ भी नहीं रह जाए चित्त के सिवा, तब से माना जाएगा कि चित्त शुद्ध है। ये भी संभव नहीं है, चित्त पूरा शुद्ध हो जाए ये संभव है? शुद्ध चित्त को ही जो है आत्म तत्व कहते हैं, तो आत्मा को विशुद्ध कहा गया है क्योंकि उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। तो वो प्रकृति की चीज भी नहीं है, प्रकृति की चीज नहीं है। आत्मा प्रकृति से परे है, इसलिए आत्मा को शुद्ध कहा गया, अचित तो बाकी को शुद्ध नहीं कहा गया। अचित भी प्रकृति का मतलब है, उसको एक मध्यम स्टेज मान सकते हो, बीच की अवस्था।
बहुत लोग शुद्धता के चक्कर में ना जी कर्मकांडी हो जाते हैं जी। हाँ वो कई बार स्नान करते हैं, कई बार मतलब उनको कभी संतुष्टि नहीं होती है हम जो है सही है, साफ हो गए, शुद्ध हो गए। और नहाते रहते सोचते नहाने से ही शुद्ध होता है जी। और ऐसे लोगों में अस्पृश्यता की भावना बहुत होती है, छुआछूत का भेद बहुत होता है, छुआछूत की भावना यहीं से आई है, शुद्धता से। वे अपने को शुद्ध समझे, दूसरे को अशुद्ध समझेंगे, इसका गंदा कपड़ा अशुद्ध है। ये नहीं कि आपका भाव अशुद्ध, भाव में आपकी अशुद्धि आ गई वो नहीं देख पा रहे हैं आप, कि आपका भाव कितना पवित्र हो गया कि आप किसी को गंदा मानने लगे। सब तो परमात्मा ही कही है अंश, तो तुमने परमात्मा को ही जो है तरह से जो है नकार दिया, जैसे शंकराचार्य ने चांडाल को कह दिया था अरे अशुद्ध हर और इधर से। आप खुद अशुद्ध हो गए जब जो है कि आपका मन अशुद्ध हो गया। हाँ आपके मन भाव अशुद्ध हो गया, तो वही चांडाल ने उपदेश दिया था शंकराचार्य को, शंकराचार्य को उपदेश दिया था चांडाल। हाँ शंकराचार्य की हवा निकलते हुए बोला कहते हो कि ब्रह्म जो है सत्य है, तो तुम ब्रह्म ज्ञानी बनते हो, तुम्हारे ब्रह्म नहीं दिख रहा है, घर शरीर के तौर पर जी रहे हो, तुम शरीर दिख रहा है, तो सबका शरीर अलग अलग है, किसके शरीर में मल नहीं है बता, तुम्हारे शरीर में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, थूक नहीं है, लार नहीं है, नेटा पोटा नहीं है, क्या नहीं है? तो कुछ उत्तर दिए कुछ नहीं, खाली प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके एकदम लौट गए शंकराचार्य। मतलब ये महसूस किए कि नहीं मेरे गलती थी। हाँ गलती है, लौट गए, कहे कि आपने मुझे बहुत बड़ा उपदेश दिया है। तो भी चंडाल विद्वान रहा होगा, मतलब कुछ जानकारी रहा होगा, तभी ना मतलब उनके सामने बोला होगा। अच्छा कहे कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हो सकते, तो इस तरह के लोग जो इस तरह के शुद्धता पर जोर देते हैं जी, वो ऐसे ही हो जाते हैं। शंकराचार्य तो सुधर गए जी, इतना मतलब वो थे, लेकिन लेकिन आम आदमी नहीं सुधर पाएगा, वो उसी में रह जाएगा, अपने को बड़ा मानता रह जाएगा, दूसरे को छोटा मानता रहेगा, ये उसकी भाव में अशुद्धि आ गई। ये हो जाता है, तो इसीलिए उस शुद्धता के चक्कर में, हाँ ठीक है अपना जो हेल्थ के लिए जो साफ सुथरा होता है उसको अपना करते रहिए, लेकिन उसका बहुत अध्यात्म से वैसा लेना देना नहीं है। भाव की शुद्धता, मन की शुद्धता जो कहा गया है ना, विचार की शुद्धता, वो सब जरूरी है। ये तो स्वास्थ्य वगैरह के लिए है, मान लें कि नहा लिए, धो लिए, धुले हुए कपड़े पहन लिए, हाँ इससे आप पवित्र नहीं होगा। गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य सिर्फ ज्ञान से ही पवित्र होता है, ये नहीं कहा कि नहाने से पवित्र होता है। टीवी देखा था आज था, भगवान ने गीता में नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते बोल रहे थे कि जब भी शौच करना चाहिए तो तब तब स्नान करना चाहिए, जब जब आदमी दिन में जितने बार शौच करे उतना बार स्नान कर लेना चाहिए, जिसके बाद बहुत फालतू टाइम है, फालतू समय है, वही इतना करेगा और बीमार पड़ जाएगा, कौन उसको देखेगा फिर, बार बार आदमी नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और ये इतने अशुद्धता का जो ख्याल है ना, उसको बेचैन करके रखेगा, क्योंकि भाव की अशुद्धि हो गई वहाँ, वो क्यों आ रहे हम पेशाब कर दिए, अब हम अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए। तुम दिन भर भी नहाओगे तो भी तुम्हारे पेशाब रहेगा, पेशाब से अशुद्धता कैसे होती है, उसका एक हेल्थ इशू है, उसको वहाँ तक देखना चाहिए। अच्छा पेशाब में क्या रहता है,
पेशाब का जो कंपोजिशन देखोगे, जब मेडिकल चेकअप कराते हैं तो कंपोजिशन निकाला जाता है, तो उसमें कौन कौन चीज़ है भाई, केमिकल सब तो है, तो क्यों चीज़ अशुद्ध है, उसमें पानी है और वो सब केमिकल है, जो हम खाते हैं इसी के कुछ रसायन हैं, इसके शरीर को जरूरत नहीं है, शरीर को निकाल रहा है। लोग मर के इतना गिरा करते हैं, वही जो लोग खाते हैं उसी का ना मतलब है, उसको शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर को तो उसको शरीर निकाल दिया मल से, घृणा करते हैं। तो घृणा तो तुम कोई व्यक्ति किसी से कर सकता है, घृणा कर तो, लेकिन वो भाव कैसे होता है, उससे आप आध्यात्मिक नहीं हो जाएंगे नहाने से या कंध धोने से। अध्यात्म का जब तो भाव पर नियंत्रण नहीं होगा, भाव की शुद्धता नहीं होगी, जब तो उसमें न्याय बोध नहीं होगा, अहिंसा करुणा ये का इसका भाव नहीं रहेगा, जब तक मोह द्रोह से नहीं मुक्त होगा, ये भावों पर ना उसको करना है काम करना है। अध्यात्म तो वहाँ शुरू होता है, ये नहाने धोने से नहीं होता, नहाने धोने तो स्वास्थ्य का मामला है। अब तुम चले जाओगे मान लो कि बर्फीले प्रदेश में चले गए, वहाँ कहाँ नहाओगे, वहाँ पानी ही नहीं है, नहाओगे कहाँ, बर्फ को गर्म करके थोड़ी नहाओगे, गर्म करने के लिए वहाँ कहीं आ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि नहाने से आदमी वो हो जाता है, एकदम शुद्ध साफ हो गया, आप एकदम महान पुण्य आत्मा हो गए। तो वही कहते जब ऐसे होता तब तो मछली सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा दिन भर उसी में रहती है, गंगा जी में रहती है। तो सारे जलचर जीव सबसे शुद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य के लिए है कि हम कैसे बीमारियों से रोगों से बचें। हाँ तो उस चीज के लिए है, उसका अपना उपयोग है, लेकिन जब तक भावों को आप नहीं बदलते तब तक आध्यात्मिक। गंगा जी आप सौ बार जाकर नहाई क्या, जितने मलाह सा मछली पकड़ने वाले कूदते ही रहते हैं, गंगा जी उन्हें आते ही रहते हैं, तो सबसे शुद्ध हो गए, जो बाहर घूम रहे सब अशुद्ध है, तो सब लोग काम धंधा छोड़ करके गंगा जी में हर्ष में डूबते रहे, वहीं रहें, पूरा देश सड़ जाएगा, ज़्यादा समय तक पानी में रहने पर देह सड़ जाता है, ज़्यादा हाथ धोएंगे तो हाथ हाथ सड़न में सड़न आ जाएगा, हाथ पूरा पंजे में सिकुड़न आ जाता है, एक आध घंटा पानी में रहने से सिकुड़ जाता है चमड़ा जो है, और ये गलने लगेगा, ये बराबर करेंगे ना, जो लोग बहुत हाथ धोते होते रहते हैं ना उनका हाथ गलने लगता है, हाँ खून निकलने लगता है, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। तो बहुत धोने से ऐसा नहीं होता कि बहुत साफ हो गया, पहले हम छोटे गंगा जी में एक आध दो घंटा नहाते थे गर्मियों में, चरने उड़ने में पूरा है ना हाथों में सिकुड़न आ जाता था।